Everyone and I welcome everyone on Shenaji Astrology. एक बार फिर से मैं Shenaji Astrology में आपका welcome करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मरकरी रेट्रोगेट के बारे में। जो मरकरी है यानी कि बुध ग्रह है, वो इस पूरे महीने वक्री अवस्था के अंदर चलने वाले हैं। 25 अप्रैल के आसपास का जो टाइम है, बुध ग्रह इस समय रेट्रोगेट अवस्था के अंदर आ जाएंगे। तो किस तरह से हमारी लाइफ को बुध ग्रह अभी इम्पैक्ट कर सकते हैं, और काफी दिनों तक तो बुध ग्रह कंबस्ट भी रहने वाले हैं, यानी कि अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं, तो इसका हमारी जिंदगी के अंदर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी के ऊपर हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले जा सके। और चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। मेरी एक छोटी सी उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप अपनी खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपने जीवन की परेशानियों का सोल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर आप हमारी वेबसाइट जाकर भी जरूर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी ब्लॉग्स मिलेंगे, फ्री राशिफल मिलेगा हर मंथ का, और काफी सारी फ्री रेमेडीज भी वहां पर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर हम मरकरी की बात करें तो पहले मरकरी का सिग्निफिकेंस हम समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि रेट्रोगेट अवस्था के अंदर आएगा तो किस तरह से हमें इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए, मरकरी जो होता है हमारा, कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीच होती है, स्पीच का कारक मरकरी को माना जाता है। हमारी जो वाणी होती है, वाणी का कारक मरकरी को माना जाता है। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हर तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, उसका कारक हमारा मरकरी यानी बुध ग्रह को माना जाता है। मरकरी जो होता है, देखिए, सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से सूर्य का जो चक्कर है बहुत ही जल्दी लगा लेता है, इसीलिए काफी समय वो अस्त और रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर आता जाता रहते हैं। अब मरकरी जो होता है, देखिए, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्लेनेट माना जाता है, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि का जो कारक है उसे भी बुध ग्रह यानी कि मरकरी को माना गया है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम अपने डिसीजन को कितना स्मार्ट वे में ले पाते हैं, अपने काम को कितना स्मार्ट वे में कर पाते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं मरकरी से देखते हैं। हमारी जो बच्चे होते हैं हमारे, तो बच्चों के कारक भी मरकरी को माना जाता है। बुध ग्रह जो होते हैं हमारे, बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो अर्ली एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन को भी बुध ग्रह डिनोट करते हैं। उसके साथ ही साथ में देखिए, जो बिजनेस होता है यानी कि जो व्यापार होता है, तो व्यापार के कारक भी बुध ग्रह को माना जाता है। बुध ग्रह व्यापार को भी कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी तरह का व्यापार आप करें, वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर आप हैं, काउंसलिंग सेक्टर के अंदर आप हैं, तो भी बुध ग्रह की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर भी रहती है। तो इन सब चीजों को हम बुध ग्रह से जोड़कर देखते हैं। अब ऐसा जो प्लेनेट है जो कि लाइफ के इतने अच्छे डोमेन्स को रूल कर रहा है, अगर ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर आ जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, आइए कुछ समझते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं नए व्यूअर्स के लिए कि रेट्रोग्रेड अवस्था क्या होती है। देखिए, रेट्रोग्रेड अवस्था में क्या होता है कि अर्थ के कंपेयर में जो प्लेनेट की स्पीड है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, वो वेरी करती है। यानी कि अर्थ की जो स्पीड है वो अलग रहती है, बाकी प्लेनेट्स की जो सूर्य का चक्कर लगाने की स्पीड है वो अलग है। इसकी वजह से जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ और बाकी प्लेनेट्स की, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाकी प्लेनेट्स हैं वो अर्थ से देखने पर हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि जब दो ट्रेनें चल रही होती हैं, तो एक ट्रेन जिसकी स्पीड फास्ट होती है उसमें कोई पर्सन बैठा होगा तो उसे दूसरी जो ट्रेन है वो थोड़ी सी पीछे जाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि वो स्लो होगी। तो इस इफेक्ट को रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है कि जब एक प्लेनेट थोड़ा पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, एक प्लेनेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें पिछड़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये जो होता है रेट्रोग्रेड मोशन होता है। इसमें प्लेनेट उल्टी दिशा में चल रहा होता है, यानी कि उल्टी उसकी चाल होती है। एक्चुअली वो चाल तो सीधी होती है, अर्थ से देखने पे हमें वो उल्टा लगता है। तो देखिए, रेट्रोग्रेड मोशन में जब कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत हमें देखने को मिलती है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप उसे पीछे कर देंगे, यानी कि अगर उसका मोशन नॉर्मल से अलग हो जाएगा, तो वापस अपनी जगह पर आने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। जैसे कि अब रेट्रोग्रेड में अगर मरकरी चला गया, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चला गया है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत उस समय करेगा। तो यानी कि इस समय जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो मरकरी से जुड़े हुए जितने भी सिग्निफिकेंस हैं उनके अंदर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो तीन गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अपने नॉर्मल वे में आने का कोशिश करेंगे यहाँ पर जो मरकरी होगा। अब यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर आपके एफर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएं। आपका रिटन कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ आप बातचीत करने का आपका जो वे है,
ईमेल्स हैं आपके, एसएमएस हैं, व्हाट्सएप है, टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपका जो अटेंशन है वो बढ़ सकता है, आपका एक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें, देखिए बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बच्चों का जो बिहेवियर है उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वहां पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर मरकरी के ऊपर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि है तो पढ़ाई इंप्रूव हो सकती है, मरकरी के साथ में राहु शनि मंगल बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकता है, आपके कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। अगर मंगल राहु शनि से मरकरी आपका पीड़ित है और रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर जा रहा है तो आप अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रफनेस बढ़ गई है बातचीत करने के अंदाज में, पहले तो आप रफ थे ही लेकिन अभी आप और रफ हो जाएंगे जब मरकरी रेट्रोगेट होगा। और विपरीत में अगर जुपिटर वीनस और चंद्रमा के साथ में मरकरी बैठा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच और ज्यादा प्योरीफाई मधुर हो जाएगी, आपकी स्वीट वॉइस हो जाएगी, ये सब देख सकते हैं। देखिए बिजनेस जो होता है, बिजनेस के अंदर जो इंसान का रुझान है, बिजनेस करने का जो इंसान के अंदर एक नेचर होता है वो इस समय इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो उनका ध्यान बिजनेस के अंदर इस समय ज्यादा जाएगा, क्योंकि देखिए मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा तो इंसान का पूरा ध्यान है वो बिजनेस के अंदर ही जाने वाला है, अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, बिजनेस में कैसे ग्रोथ करनी है। अचानक से इंसान के माइंड में आएगा कि यार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता हूँ, बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाता हूँ, अपने काम में मैं क्या नया करूँ, तो ये सब चीजें आएंगी। आपका इंटेलेक्ट भी काफी ज्यादा इस समय अच्छा बिहेव कर सकता है, इंटेलेक्चुअली आप जैसे लोगों ने आपसे कुछ पूछा तो आप हो सकता है और अच्छे से उसका आंसर दें। अब देखिए मरकरी वैसे भी फास्ट प्लेनेट होता है, रेट्रोगेट हो जाएगा तो उसकी फास्टनेस भी बढ़ जाएगी, तो आप थोड़े से फास्ट हो जाएंगे अपने काम के अंदर, आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मरकरी देखिए सबकॉन्शियस माइंड का भी कारक होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफी डबल स्पीड के साथ में काम करेगा, तो इससे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी हमें हो सकती है, जिससे हम बचकर चलेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ओवर थिंकिंग भी हम इस समय देख सकते हैं। अब देखिए मरकरी यहाँ पर कंबस्ट अवस्था के अंदर भी रहेगा काफी दिनों तक। कंबस्ट अवस्था के अंदर ये है कि मरकरी के जो सिग्निफिकेंस है सूर्य के साथ में ढक जाएंगे, वो सूर्य की जो अग्नि है उसमें मरकरी के जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़े से ढल जाएंगे, इसीलिए जो मरकरी का जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड कामों में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए कंबस्शन का मतलब क्या हो गया कि सूर्य जो है वो प्लेनेट के ऊपर डोमिनेंस इस समय दिखा रहा है, यानी कि सूर्य कह रहा है कि तुम मेरा काम करो, तुम अपने सिग्निफिकेंस अभी थोड़े समय के लिए साइड में रखो, तुम जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तुम वो काम करो। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य से रिलेटेड सिग्निफिकेंस है वो मरकरी के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेंगे, यानी कि आपकी वॉइस के अंदर ईगो इस समय आ सकता है, वॉइस के अंदर थोड़ा सा आपको एंगर इस समय, थोड़ा अहंकार हम इस समय देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस के अंदर हैं, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को समय मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ में देखिए आपका जो भी कोई कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के साथ में उसमें कुछ चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। और देखिए मरकरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का कारक है और वो जब सूर्य के साथ में अस्त हो जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ सकता है, हो सकता है हमारे माइंड में डाउट्स बहुत ज्यादा आए, हम अपने माइंड में एक असमंजस की जो स्थिति है उसके अंदर हम आ सकते हैं और हमें थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है कि हमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आपको कोई डिसीजन अगर लेना है तो ये 20-22 दिन के बाद ही आप लीजिएगा। देखिए 25 तारीख तक का जो पीरियड है इसमें यह मरकरी रेट्रोग्रेड भी रहेगा और काफी दिन तक कंबस्ट भी रहेगा, तो इस समय कोई भी डिसीजन अगर आप लें तो डिसीजन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो सकता है उतने अच्छे डिसीजन ना ले पाए क्योंकि क्लैरिटी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, मरकरी कंबस्ट अवस्था के अंदर चला जाएगा, तो डिसीजन थोड़े इस समय कोई लाइफ के मेजर डिसीजन है तो लेने के लिए आप बचिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए मरकरी कंबस्ट अगर हो जाता है तो सूर्य जो होता है वो डोमिनेट करता है, यानी कि मरकरी जिस भी भाव में बैठा होगा आपकी कुंडली में तो वहां मरकरी के रिजल्ट्स आपको कम आएंगे, सूर्य के रिजल्ट आपको ज्यादा आएंगे। सूर्य से जुड़ा हुआ काम आप मरकरी की हेल्प से करेंगे, यानी कम्युनिकेशन सूर्य से जुड़े हुए कोई काम में आपका यूज हो सकता है, हो सकता है कि पिता के साथ में आपका कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम हो जाए, क्योंकि सूर्य पिता को डिनोट करते हैं तो पिता का आदेश आप मानेंगे या फिर पिता की कोई कही हुई बात आप सुनेंगे और उसके बेस पे आप अपना दिमाग को यूज करेंगे, तो ये भी हम देख सकते हैं। बॉसेस जो होंगे बॉसेस की बात भी आपको आप इस समय सुनेंगे, बॉस आपको कोई स्पेशल असाइनमेंट भी भेज सकते हैं, बॉस आपको कोई स्पेशल रिटन प्रोजेक्ट दे सकते हैं, स्पीच से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट आपके बॉस आपको दे सकते हैं, क्योंकि स्पीच हो गया, रिटन हो, कम्युनिकेशन हो गया, ये मरकरी का डोमेन है, सूर्य बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफिस के अंदर
बिजनेस से जुड़ी हुई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, राइटिंग से जुड़ी हुई कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हम देखेंगे मरकरी जब हमारा रेट्रोगेट अवस्था के अंदर रहेगा। अभी देखिए जो मरकरी है रेट्रोगेट अवस्था में जब रहेगा तो काफी दिन वो जुपिटर के साथ में रहेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति जो है देखिए इस समय मेष राशि में है और मरकरी भी मेष राशि के अंदर आकर रेट्रोगेट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर का एक प्रभाव मरकरी के ऊपर रहेगा, यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो थिंकिंग है उसमें विजडम आ जाएगी, उसके अंदर थोड़ा सा एक कंपैशन आ जाएगा, थोड़ा सा लोगों के लिए हेल्प करने का नेचर आपका आ जाएगा, तो ये देखने को मिल सकता है। जुपिटर और मरकरी मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, अगर बिजनेस से जुड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं और उसमें जरूर आपको सफलता देखने को मिलेगी। और लेकिन उसके अलावा कोई डिसीजन बड़े मत लीजिएगा, बिजनेस में कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन 25 के बाद ही करिएगा, प्लानिंग वाला पार्ट इस समय आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि जुपिटर का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मरकरी जब रेट्रोगेट होकर राहु के साथ चले जाएंगे, यानी 15 तारीख के बाद वाला जो पीरियड होगा, देखिए रेट्रोगेट में मरकरी पीछे मूव करेंगे, तो जब वो राहु के साथ मूव कर जाएंगे, राहु सूर्य के साथ मूव कर जाएंगे, तो उस समय मरकरी के अंदर एंगर आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा, मैनिपुलेशन आ जाएगा, तो उस समय कोई भी नया काम करने से बचिएगा, उस समय आप लोगों के साथ गलत बोलने से बचिएगा। देखिए मरकरी वाणी का कारक है, राहु कहीं ना कहीं वाणी को मैनिपुलेट कर सकता है, तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं करनी है, लोगों के साथ गलत नहीं करना है, बिजनेस में चीटिंग करने से बचना है। सूर्य के साथ में आ जाएंगे तो ईगो, एरोगेंस, इन सबको भी हमें दूर रखकर चलेंगे, तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी देखिए बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, 15 तारीख तक जुपिटर के प्रभाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद में वो जो है वो रेट्रोगेट अवस्था में आकर पीछे चले जाएंगे, यानी कि पिछली राशि मीन राशि में जहां सूर्य राहु पहले से बैठे हैं वहां पर चले जाएंगे, तो वहां पर देखिए जाकर उनको गर्मी मिलेगी, सूर्य की गर्मी और राहु का मैनिपुलेशन छल होने मिलेगा, तो उस समय कोई भी नया काम करने से, कोई नया डिसीजन लेने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि आपकी वाणी के ऊपर थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालेगा, आपके माइंड के अंदर ईगो इशू भी आपको ये लेके आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इससे बचकर चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए मरकरी रेट्रोगेट कंबस्ट अवस्था के अंदर जाते हैं तो देखिए सबसे अच्छी रेमेडी तो होती है गणेश भगवान की उपासना करना, क्योंकि बुद्ध देवता के जो आराध्य देव है वो गणेश जी को माना जाता है, तो गणपति अथर्वशीष का जाप करना, गणेश चालीसा का जाप करना, गणेश जी की फोटो को कमरे के अंदर लगाना बहुत अच्छे उपाय रहते हैं, मरकरी इससे काफी ज्यादा मजबूत होता है। उसके साथ ही साथ में बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए मरकरी जो होते हैं वो प्लांट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पेड़ पौधों को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप गार्डन में जाकर, पार्क में जाकर भी अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पार्क में करते हैं, नंगे पैर आप अगर पार्क में चलते हैं, तो इससे भी मरकरी आपका इंप्रूव होता है। साथ ही साथ में देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक कागज के ऊपर आप ग्रीन पेन से आप जय गणेश 21 बार लिख सकते हैं, ये भी इस रेमेडी से भी बहुत अच्छे मरकरी के रिजल्ट आते हैं। और देखिए क्लैरिटी के लिए माइंड में देखिए जैसे मरकरी रेट्रोगेट कंबस्ट हो जाएंगे तो क्लैरिटी एक माइंड से थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमारे खत्म हो जाएगी, तो क्लैरिटी को लाने के लिए आप गणपति अथर्वशीष का जाप जरूर करिएगा, उससे माइंड में क्लैरिटी आपके जरूर आएगी। विष्णु भगवान की उपासना करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, इससे भी मरकरी हमारे इंप्रूव होते हैं, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान की उपासना भी कर सकते हैं, इससे भी मरकरी हमारे काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बेहतर रिजल्ट हमें देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, Instagram पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जाकर आप हमारी फ्री रेमेडीज, फ्री राशिफल को एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी परेशानियों का समाधान जानना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट भी हमसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।